हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कृष्णा होम। सो आज जो प्रोजेक्ट आप देखने वाले हैं, इसे हम विजिटिंग बाहर से ही करेंगे क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसमें काम काफ़ी बचा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोकेशन जगतपुरा जयपुर में रहेगी। जगतपुरा में जो अक्षय पात्र टेम्पल है उसके जस्ट सामने अभी जो न्यू डी मार्ट बना है, उस डी मार्ट से आपको ये हार्डली 500 मीटर ही रहेगा। तो लोकेशन इसकी काफ़ी प्राइम रहेगी। आप ये देख रहे हैं, ये हमारे दो जो है सेपरेट विलाज हमने यहाँ पे रेडी किए हैं। सेपरेट हाउस रहेंगे ये हमारे, और JDA अप्रूव्ड होने के साथ साथ सब डिविजन भी रहेंगे। सेपरेट पट्टा आपको इसमें मिल जाएगा, तो आप नेशनलाइज्ड बैंक्स एंड प्राइवेट बैंक्स दोनों बैंकों से लोन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इनके डायमेंशन की अगर अपन बात करें, तो लगभग 20x40 का डायमेंशन रहेगा। 20 का फ्रंट आपको मिल रहा है, 20x40 का जो ये डायमेंशन है लगभग, ये अगर आप गज में देखेंगे तो लगभग 90 गज के आसपास हो गया। तो साइज भी काफ़ी अच्छा है। जो फेसिंग रहेगा वो ईस्ट फेसिंग रहेगा। वास्तु के अकॉर्डिंग सबसे शुभ फेसिंग होता है ईस्ट फेसिंग। तो आप देखेंगे कि नॉर्मली जो जगतपुरा में विलास बनते हैं 20x50 में या फिर 15x60 में जो विलास बनते हैं, वो रहने के अकॉर्डिंग होते हैं, रेजिडेंशियल होते हैं। बट ये जो प्रॉपर्टी है अपनी, ये रेजिडेंशियल होने के साथ साथ कॉमर्शियल भी रहेगी। यानी कि इसमें आपको हमने 3 फ्लोर दिए हैं। नीचे का जो एरिया आप देख रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर जो आप देख रहे हैं, इसमें पूरा हमने पॉर्च एरिया और 2 शॉप्स का ऑप्शन आपको दे दिया है। 2 शॉप्स, एक मैंने आपको बताया कि 2 हमारे ये सेपरेट रहेंगे। ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं अपना, इसमें हमारा जो पॉर्च, हमने एक पॉर्च दिया और एक काफ़ी अच्छी साइज की शॉप दे दी। और जस्ट इसके पास वाला अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने ये वाला पॉर्च रहेगा आपका, और यहाँ पे ये 2 शॉप्स के हमने ऑप्शन आपको दे दिए। ये दोनों शॉप्स थोड़ी छोटी साइज की रहेगी इसके अकॉर्डिंग। 3 फ्लोर में बना हुआ है। नीचे का मैंने आपको समझा दिया है कि पॉर्च और शॉप्स का ऑप्शन आपको मिला है। इसके जस्ट ऊपर यानी कि 1st फ्लोर पे अगर आप देखेंगे तो 1st फ्लोर पे आपको 2 बेडरूम का ऑप्शन मिल जाता है, एंड इसके ऊपर आपको यानी कि 2nd फ्लोर पे आपको 2 बेडरूम का ऑप्शन मिल जाता है। तो टोटल जो बेडरूम्स इसमें हो गए विला में, सिंगल विला में आपको 4 बेडरूम्स का ऑप्शन मिल जाता है, प्लस इसमें 2 शॉप्स आपको मिल गई। ये वाला आप देख रहे हैं कॉर्नर रहेगा और ये जस्ट कॉर्नर के पास वाला रहेगा। लोकेशन काफ़ी प्राइम रहेगी, और सबसे मेन जब कॉमर्शियल कुछ बनता है तो सामने की रोड या तो 40 फिट की या 60 फिट की या 100 फिट की होती है। तो यहाँ ये जो रोड आपको मिल रही है, देखिए ये 60 फिट की मिल रही है, तो आप इजीली कोई भी शॉप वगैरह अपनी यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। सो वाटर का अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बीसलपुर की पाइपलाइन यहाँ पे डल चुकी है, तो आप शिफ्ट होंगे तो कनेक्शन आपको मिल जाएगा। सीवरेज यहाँ पे अपना पूरा कंप्लीट रहेगा। प्रॉपर्टी JDA अप्रूव्ड है और कॉमर्शियल भी आपको यहाँ पे मिल गया है, प्लस रेजिडेंशियल भी आपको मिल गया है। 60 फिट की रोड रहेगी, फेसिंग ईस्ट रहेगा। तो देखिए सब कुछ इसमें काफ़ी अच्छा आपको मिल रहा है। काफ़ी बार आप सभी लोग ये डिमांड करते हैं कि कॉमर्शियल में कुछ हमारे लिए लेके आइए, जिसमें हम लोग नीचे अपना शॉप का रख लें और ऊपर हम लोग रह लें। तो उस अकॉर्डिंग आपको जगतपुरा जैसी लोकेशन में इस तरीके के कॉन्सेप्ट बहुत कम देखने को मिलेंगे या फिर मिलेंगे ही नहीं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो इसको आप अंडर कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, इसमें जो टाइम लगेगा हमें रेडी टू मूव करने में, 3 से 4 महीने आप मान लीजिए। और इसकी रेट्स की अगर मैं बात करूँ तो देखिए अभी की जो रेट्स है हमारी, सिंगल हाउस की जो रेट्स रहेंगी लगभग 90 लाख के आसपास रहेगी। ये अभी की रेट्स हैं। रेडी टू मूव आने में इसकी जो रेट्स रहेगी वो इंक्रीज हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। सो आई होप आपको हमारी ये प्रॉपर्टी अच्छी लगी हो। इसकी इसे अगर आप विजिटिंग करना चाहते हैं, इसे आके देखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं एंड बुक कर सकते हैं अपना विजिटिंग स्लॉट। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे सभी पे आप हमें फॉलो कीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय श्री कृष्णा।